हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी जो मैं लेकर आई हूँ वो है फिश फ्राई करूँगी आज मैं। और क्योंकि सर्दी के दिन चल रहे हैं, इस टाइम पे खाने पीने का बहुत ज़्यादा ही वो खाया भी जाता है, और जैसे कि हम लोग फैटी चीज़ें ज़्यादा अवॉइड करते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत नॉनवेज वगैरह भी खा लेते हैं, तो कुछ इतना ऐसा इश्यू नहीं होता, मज़े से खा लेते हैं सभी, बच्चे भी बड़े भी, और खाया भी जाता है तो हजम भी हो जाता है जैसे सर्दी के दिनों में। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इस टाइम पे जो भी नॉनवेज होता है वो बहुत फ्रेश मिलता है। जैसे कि फिश गर्मियों में अच्छी नहीं मिलती, इस टाइम पे बहुत मज़े की होती है और एकदम फ्रेश होती है। तो हमारे यहाँ बच्चे जो है ना ग्रेवी वाले फिश खाने में थोड़ा सा वो करते हैं, लेकिन फ्राई बना दो तो बड़े खुशी से खा लेते हैं, स्टार्टर के तौर पे खा लेते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी, करने जा रही हूँ फिश फ्राई, उसी की रेसिपी करूँगी आप लोग के साथ शेयर, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से और फटाफट, क्योंकि फिश को पकाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, वो यूँ ही पक जाता है ईजिली, थोड़े से फ्राई करने में गल जाता है। तो उसी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में, करेंगे फिश फ्राई मार्केट्स जैसा, जैसे मार्केट में बनाते हैं ना उस टाइप का। तो किचन में चलते हैं। मैंने वॉश करके उसको स्ट्रेन होने के लिए एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो रख दिया है, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये फिश ले ली है, देखिए वॉश करके स्ट्रेन करने के लिए रखा हुआ है, और अब हम इसका करेंगे मसाला स्टार्ट। सोफी, आप ये क्या बना रहे हैं? मैं बनाऊंगी फ्राई फिश। पहले सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। तो हम फिश होती है, हाँ फिश फ्राई बनाएंगे आज हम लोग, टेस्ट करके बताना कैसा बना, ठीक है? ओके, तुमसे ही टेस्ट करवाऊंगी, तुम ही बताना मुझे कैसा बना। ओके ठीक है, चलो ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये फिश हो गई है वॉश करके रेडी, और मैंने ये बर्तन ले लिया है, अब इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी। तो क्या क्या मसाले ऐड करूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ऐड करूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं ये 2 चम्मच यानी 2 टेबलस्पून के हिसाब से ऐड कर देती हूँ। और लाल मिर्च, मिर्च भी मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है हमारी फिश की। और बाकी तीखा जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। हल्दी लेंगे 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच ले लेती हूँ, और जीरा पाउडर 1 चम्मच, और साथ ही ऐड होगा इसमें फूड कलर, तो थोड़ा सा ले लेते हैं फूड कलर, थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 चम्मच अंदाजे से, और लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा इसमें बेसन, ये भी 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं होगा। और अब हम इसका एक पेस्ट बना के तैयार करते हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा घोल हो गया है रेडी। अब इसमें फिश ऐड कर देती हूँ और इसकी मालिश कर लेते हैं हम अच्छे से मसाले के साथ, दोनों साइड से। और एक एक करके ऑयल में ऐड करते जाएंगे, अच्छे से हो गया ये, अब इसको ऑयल में ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो
2-3 मिनट तक एक साइड से पका लेंगे और फिर उसके बाद पलट के दूसरी साइड से इसको फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड से हो गया अच्छे से फ्राई, इसको पलट लेते हैं दूसरी तरफ भी ऐसे 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा शानदार सा कलर आया हुआ है। अब 2-3 मिनट जैसे भी पका लेते हैं, उसके बाद इसको निकाल लेंगे और नेक्स्ट जो है बैच हो जाएगा। तो ये दोनों पैकिंग हो गई है ड्राई, इसको हम निकाल लेते हैं। तो बाकी के सारे पीसेस भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं और फिर इसका फाइनल आपको टेस्ट करके बताऊंगे कैसा है। तो फ्रेंड्स फाइनली ये वाला बैच भी हो गया है रेडी और अभी मैं करती हूँ तो सर्व। तो ये हो गया हमारा रेडी और अभी इसको मैं थोड़े से अनियन और नींबू के साथ इसको सर्व करेंगे और सबसे पहले टेस्ट कराएंगे अरसलान को। तो चलिए चलते हैं टेस्ट कराने के लिए। तो रेडी हो गए हो? चलो अभी आप इसको ट्राई करो, एक पीस इसमें डालो। इसको क्या धो ये दूँ ना? हाँ, और थोड़ा सा जूस। हाँ अभी सभी को टेस्ट करेगा, पहले आप टेस्ट करके बताओ। ये देखिए फाइनल लुक, हमारी फिश फ्राई हो गई है रेडी और ये खाया अरसलान ने। अच्छा मज़ा आया? पहले तो बोलो थैंक यू। टेस्टी है कि नहीं है ये बताओ। कैसा बनाया बताओ आप? अच्छा है। यम्मी भाई, वो बुला रही है भाई को। खा लो। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका फाइनल लुक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।